Hello childrens, good morning. I hope all are you fine. Last week we have started our chapter number 2. Now next topic is regrouping of numbers. First and for all you have to write date and CW also. Regrouping means rearrange. What means of regrouping? Means rearranging the numbers. Regrouping means rearranging the numbers to make additions or to solve. रीग्रुपिंग का मतलब क्या होता है, नंबर्स को रीअरेंज करना, फिर से अरेंज करना. ओके, हियर इज 13 एप्पल्स. कितने एप्पल्स हैं यहाँ पे? 13 एप्पल्स है, इज इक्वल. 13 एप्पल्स को हम कैसे रीअरेंज कर सकते हैं? नाउ लुक, 10 एप्पल्स प्लस 3 एप्पल्स, है ना. 13 एप्पल्स को हम कैसे भी लिख सकते हैं, 10 एप्पल्स प्लस 3 एप्पल्स. 13 ones is the same as 110 plus 3 ones, है ना. tens means क्या होता है, 110, और 3 means क्या होगा, 3 ones. In the same way 19 ones is equal 110 plus 9 ones. अब देखो 19 ones को हम किसे tens और ones में चेंज कर सकते हैं, है ना. 9 ones 110, है ना, 110 plus 9 ones. 17 ones is equal 110 plus 7 ones. 2 tens plus 13 ones. Now we have to rearrange 13 ones is equal 2 tens. देखो 2 tens as it is plus, अब 13 ones को हमने rearrange किया 110 plus 3 ones में. Okay, so we will, next step में हम क्या करेंगे, टेंस और टेन को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे. टू टेंस और वन टेन इज इक्वल थ्री टेंस और थ्री वंस एज इट इज. ओके, फाइव टेंस प्लस 27 वंस. फाइव टेंस एज इट इज, 27 वंस को हमने क्या किया, रीअरेंज किया टू टेंस प्लस 7 वंस में. ओके, टू टेंस प्लस 7 वंस. सो फाइव टेंस एंड टू टेंस क्या हो गया, नेक्स्ट स्टेप में 7 टेंस प्लस 7 वंस. वी कैन अंडरस्टैंड बाय द अवर एक्सरसाइज नंबर 2.3. फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है फिल इन द बॉक्सेस. अब हम कैसे इसको सीख सकते हैं, कैसे हम इसका लर्न कर सकते हैं, हमारी एक्सरसाइज से. 4 टेंस प्लस 18 वंस, है ना, इनको क्या करना है, हमको रीअरेंज करना है. तो हम किसको अरेंज करेंगे, देखो 4 टेंस तो एज इट इज़ है, अब हमको बताना है कि 10 और वंस में क्या आएगा. सो 10 और 4 वंस. ओके, फर्स्ट एंड फॉल वी विल राइट टेंस एंड वंस. ओके, सो 8 विल बिकम इन वंस एंड 1 विल बिकम इन टेंस. सो वी विल राइट हियर 110 8 वंस. ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, 4 टेंस और 1 टेन को ऐड कर लेंगे. 4 एंड 1 कितना हो जाएगा, 5 टेंस 8 वंस. नेक्स्ट 5 टेंस प्लस 15 वंस. 15 वंस मीन्स टेंस वंस, 1 5 15. ओके, इज इक्वल 5 टेंस एज इट इज लिखा हमने. नाउ we have to write tens and ones, so we will write 1 in 10 box, 10 place. Okay, and 5 in ones place. Next step में हम क्या करेंगे, दोनों numbers को add कर देंगे. 5 tens and 1 ten is equal 6 tens and 5 one as it is. Okay, next 3 you have to do in your homework. Okay, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, राइट इन टेंस एंड वंस एंड फाइंड द नंबर्स. अब हमको क्या करना है, टेंस और वंस लिखना है और नंबर्स को फाइंड करना है. ओके, सो टू टेंस प्लस 18 वंस. टू टेंस एज इट इज़ हमने लिखा. ओके, अब 18 वंस को हमें चेंज करना है, तो हम क्या लिखेंगे, 1 टेंस प्लस 8 वंस. 2 tens and 1 tens is equal 3 tens plus 8 1 is it is. Okay,
सिक्स टेंस प्लस 20 वंस, सिक्स टेंस एज इट इज, टू टेंस प्लस 1 वन, सो टू टेंस एंड सिक्स टेंस इज 8 टेंस प्लस 1 वंस. Now you have to do in your homework, okay?